नमस्कार, मैं माँ गुरु गौरव। पिछले सप्ताह में हम हमारे अगर धर्म के हिसाब से देखा जाए तो पांच इम्पोर्टेंट त्यौहार थे। दिवाली जिसका विशेष महत्व है, भाई दूज जिसका विशेष महत्व है, धनतेरस, छोटी दिवाली, नरक चौदस। तो ये सभी फेस्टिवल हमारे पंच दिवसीय जो फेस्टिवल्स थे लास्ट वीक में, आप आशा करता हूँ आप सब ने अच्छे रूप से मनाए होंगे। माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया होगा, कुबेर महाराज को प्रसन्न किया होगा, आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम बात करेंगे आने वाले सप्ताह में। आने वाला सप्ताह डिफरेंट राशि के डिफरेंट जातकों के लिए कैसा रहेगा, बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा, शुभ रत्न है मोती, शुभ द्राक्ष है दो मुखी रुद्राक्ष, शुभ दिशा है उत्तर पश्चिम की दिशा। यह सप्ताह निवेश करने के हिसाब से इस राशि के जातकों के लिए अच्छा नहीं है। बिजनेस में भी कुछ नुकसान हो सकता है, प्रयासों से ही आय में इजाफा होना संभव है, अध्यात्म की तरफ आपकी रुचि बढ़ सकती है। छात्रों को इस सप्ताह और अधिक मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, एकाग्रता बना के रखना है। परिवार में किसी सदस्य का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है या घर में किसी से अनबन हो सकती है, आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है। काम में व्यस्त होने के कारण आप अपने परिवार के लिए समय नहीं दे पाएंगे, जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बनाए रखें, आप अच्छे लम्हों का अनुभव कर पाएंगे। तो सप्ताह एक एवरेज सप्ताह है, सप्ताह को और अच्छा सप्ताह कैसे बना सकते हैं जानते हैं इसके कुछ उपाय। इस राशि के जातकों को चाहिए चावल मोती चांदी का दान मंदिर में करें, हरे रंग से दूर रहना है, बटुए के अंदर चांदी के आयताकार चौकोर टुकड़े अपने पास में रखें या गले के अंदर चांदी का चंद्रमा बनाकर लॉकेट की तरह धारण करें। माता का आशीर्वाद अगेन इस राशि के जातकों के लिए भी एक अहम भूमिका निभाएगा। कन्याओं को खीर जरूर खिलाएं, खाने में आप दही सम्मिलित करें, भगवान भोले शंकर की पूजा करें, दूध से उनका अभिषेक करें, दूध में चावल भिगोकर गाय को खिलाएं। तो ये कुछ उपाय हैं जो इस राशि के जातकों को करने चाहिए और यही उपाय आने वाले सप्ताह को अच्छा सप्ताह बनाने में मददगार भी साबित होंगे। तो जो ये उपाय मैं आपको बताता हूँ हर सप्ताह, तो उसके पीछे का जो सारांश मैं हमेशा लास्ट में बोलता हूँ कि आपको अपने आचार और विचार को सही रखना है। जैसे एक आपने गाना भी सुना होगा, भला किसी का करना सकें तो बुरा किसी का मत करना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, यदि आप किसी का भला ना भी कर पाएँ बट उसके प्रति आप कोई नेगेटिव थॉट या फिर वो मुझसे अच्छा क्यों है या मैं उससे अच्छा क्यों नहीं हूँ, इस तरीके के थॉट्स को आप इनकलकेट ना करें। आपके कर्म आपके साथ, आपका भाग्य आपके साथ, अपने कर्मों से आप अपने भाग्य को सुधारें। यदि आप इस रास्ते को फॉलो करते हैं, समय जरूर लग सकता है, जैसे कहते हैं कि देर है पर अंधेर नहीं, ये एक बहुत ही जीवन का सात्विक सत्य है जिसको आप आज नहीं समझेंगे लाइफ में समझते हैं। यदि आप अपने कर्मों से अपने भाग्य को अच्छा बना सकते हैं, डेफिनेटली कर्म भाग्य को चेंज करते हैं। आप महादशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा चाहे नेगेटिव प्लैनेट के कंजंक्शन हो, फिर भी आप अगर आपको लगता है कि आपको से फॉर एग्जांपल फांसी की सजा होनी थी तो हो सकता है कि आपको कांटा चुपके रह जाए। तो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपको अपने कर्म से अपने आचार विचारों को ठीक रखते हुए जहाँ भी पॉसिबल हो सके दूसरे लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहें और जितना हो सके धार्मिक कार्यों में अपने आप को व्यस्त रखें। जब धार्मिक कार्यों में व्यस्त रखेंगे तो आपके थॉट पॉजिटिव होंगे, थॉट पॉजिटिव होंगे तो आपके जो बॉडी के वाइब्रेशंस हैं वो पॉजिटिव होंगे, बॉडी के पॉजिटिव वाइब्रेशंस एनवायरनमेंट के पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ सिंक्रोनाइज होकर आपका जो प्रार्थना है वो वैकुंठ धाम तक पहुँचाएगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आने वाला सप्ताह आप सभी जातकों के लिए, सभी राशियों के लिए शुभकारी रहे, मैं महागुरु गौरव, नमस्कार।